हेलो फ्रेंड्स, मैं तनीर अहमद और आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल TR बहादुरपुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस लोगो को स्क्रीन पेंटिंग के लिए ट्रेस करना सीखेंगे, यानी इसको हम ब्लैक एंड वाइट में करेंगे ताकि हमारी स्क्रीन पेंटिंग इससे हो सके। तो सबसे पहले इसकी हम एक कॉपी ले लेते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, इसका डुप्लीकेट बन गया। और इसको हम ब्लैक एंड वाइट में डायरेक्ट कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये कैसा आता है। बिट मैप में आएंगे और कन्वर्ट टू बिट मैप, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट, रिजोल्यूशन इसका 300 DPI रहेगा। ओके कर देते हैं। ये हमारा ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गया और ये अच्छा हो गया, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि ये जो लिखा हुआ है ये इसमें नहीं है। तो अगर हम चाहें तो दोबारा लिख के भी इसको इस पर डाल सकते हैं, तब भी बिल्कुल ईजी तरीके से ये हमारा हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल इसी तरीके का लिखा हुआ हमको चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आइए इसको हम इधर करते हैं और इसकी एक कॉपी और यहाँ पे लेते हैं और इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं। बिट मैप में आके ऑटो एडजस्ट कर दिया हमने। फिर इफेक्ट में आएंगे, एडजस्ट, और यहाँ पे टोन कर्व, इस पर क्लिक करके इसको इस साइड करिए और इसको थोड़ा सा आप नीचे लाइए। आप नीचे लाएंगे ये देखेंगे डार्क हो गया। ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद फिर बिट मैप में आते हैं और इसको ऑटो एडजस्ट, और फिर बिट मैप कन्वर्ट टू बिट मैप ब्लैक एंड वाइट में। ओके, अब आप देखेंगे कि ये हमारा लिखा हुआ बिल्कुल इसमें साफ नज़र आ रहा है। करके ट्रेस में जाते हैं, आउटलाइन लाइन आर्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए हमारा लाइन आर्ट में हो गया। ओके, इसको इस साइड करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और अब इसको हम राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लेंगे। अनग्रुप करने के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बेहतर हो चुका है खुद ही। सिर्फ हमको लिखा हुआ इसमें से लेना है। शिफ्ट के साथ इसको और इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे इसको ला के रख देंगे और इसमें ब्लैक एंड व्हाइट फिल कर देंगे। ये बिल्कुल हमारा सही आ चुका है। इसको भी हम ट्रेस कर लेते हैं, ट्रेस में आउटलाइन लाइन आर्ट। ओके, ये हमारा ट्रेस वाली फाइल है और ये बगैर ट्रेस वाली है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और ट्रेस वाली फाइल को यहाँ पे ला कर रख देते हैं। राइट क्लिक करके इसको चाहें तो अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप कर ही लेते हैं ताकि ये जो कॉर्नर है इसको थोड़ा सा, ये जो शेप है इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और इसका आउटलाइन यहाँ से हम 1 पॉइंट ले लेते हैं। आप देखेंगे ये मोटा हो गया। इसी तरीके से इसको भी 1 पॉइंट कर लेते हैं। ठीक, ये भी हमारा मोटा हो गया, लेकिन ये बचा हुआ है तो इस पर भी क्लिक करके इसकी आउटलाइन भी हम 1 पॉइंट कर लेते हैं और इसकी भी आउटलाइन हम 1 पॉइंट कर लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये साइड में हमारा एक्स्ट्रा आ गया, तो अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आ जाएंगे, ये जो क्रॉप आप देखते हैं यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, इस पर क्लिक करके और इस पर क्लिक कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से इस पर ये भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। लिखे हुए को हम सबको ग्रुप कर लेते हैं कंट्रोल जी से और इसमें लाके सेट कर देते हैं। इस तरीके से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए रेडी। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी लोगों को बहुत ही आसानी के साथ ट्रेस कर सकते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए।